वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज हम बात करने वाले हैं योगा के हवाले से। सुबह सुबह जब हमारी जो कह लें योगा इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आई, तो मैंने आते इनसे शिकायत की। मैंने कहा आप कहते मेरी गर्दन पे ना ये लाइंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए, कुछ मैं ऐसे करके बैठती हूँ, जब मैं लेटी हूँ तब भी मैं गर्दन को ऐसे रखती हूँ तो लाइंस आना शुरू हो गए, मुझे अपनी गर्दन ना बिल्कुल ऐसे चाहिए। फिर हम मैंने उनसे थोड़ी सी टिप्स ली, तो आज मैंने कहा हम ये ऑन ईयर टिप्स डिस्कस करेंगे। तो गर्दन पे लाइंस जिन लोगों को वो गौर से सुन लें, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे लोगों को होगा। अच्छा जनाब, योगा क्यों जरूरी है? ओवरऑल आज हम योगा के हवाले से डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी सलाफे नकवी। वेलकम टू द शो सलाफे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुबह सुबह सलाफे, आज आप हमें क्या बताने वाली है और मेरी इन लाइंस का भी आपने कुछ इलाज बताया? सबसे पहले तो हम बेनिफिट्स ऑफ योगा बताएंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्यों हम इंपॉर्टेंस इसकी डिस्कस करते रहते हैं, वो क्या चीज है। जी बताएं, जी बताएं। ये जिसने मेरे कान में कहा ना कि बुढ़ापे की निशानी है, खुद हो अच्छा एक बात बता दें कि योगा जो है वो एंटी एजिंग है, तो हाँ। ये तो सबसे बड़ी गुड न्यूज है। और वो मेरे साथ वो प्रैक्टिस करती रहती है, तो वो बुढ़ापे की निशानी। अच्छा, मतलब कुछ लोगों को एक चीज हम क्लियर कर दें, कुछ अब सब कॉन्शियस हो जाएंगे। कुछ लोगों को जिस तरह मुझे भी अब शेप कुछ की ऐसी होगी नेक की, ठीक है, कुछ को लाइंस होंगी। हम कह रहे हैं जिनको नहीं थी और उनको हो गई, अगर हो गई है। मुझे बिल्कुल नहीं थी, मेरी गर्दन बिल्कुल ऐसे जैसे स्किन सही, हाँ, तो वो बिल्कुल एक फाइन था, बिल्कुल एक जैसा स्किन थी। अब इसमें आप ये क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक तो इम्यून सिस्टम को भी ये चीज बेहतर करेगी। आपने अपने यहाँ पर थंब रखे नेक पर, दोनों साइड पर लो, अभी से प्रैक्टिस शुरू इससे, हाँ, इससे आपने लिफ्ट किया खुद को यहाँ। अब कितनी देर यहाँ रहने के बाद, यहाँ आप सांस ले रहे होंगे लेकिन बोलोगे नहीं जैसे मैं बोल रही हूँ। फिर नीचे अगेन आप लो भाई, मैं तो एंड डाउन। अब ये चीज क्या होगा जो हम ये बता रहे हैं, आपका तो एक तो थायमस ग्लैंड इससे एक्टिव होता है, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होगा, बीमारियों से आप बच जाओगे। और ये जो आपको लाइंस पड़ी हैं, एक तो ये, और दूसरा पिलो आपका ऐसा होगा जिसमें आपका थोड़ा सा जो पोस्चर है वो थोड़ा ऊपर रहे। इसके लिए हम कोबरा बहुत इम्पोर्टेंट, आज कोबरा की एक वेरिएशन एक और बताएंगे जो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, थोड़ा सा होगा आसान, मुझे थोड़ा कोबरा वो थोड़ा सा लगता है। अब एक तो ये चीज के चेन के लिए, दूसरा एक चीज सेम इसी अगर आप नेक की एक बात करो तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि स्किन को एक्टिव रखे हमेशा, स्पेशली जब आप सुबह उठते हो या आपने एक्टिव किया। यहाँ पर अब कोई चीज आप हाथ पर अप्लाई करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज बगैर किसी चीज के आपने सिर्फ और सिर्फ इसको मूव किया ऊपर को, इसमें हम वही बोलेंगे, हाँ, आप कर सकते हो कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो, जेल ले लो, वही हमने सेम चीज बोल रहे हैं, तो आप जेल ले लो, कोई भी चीज ली आपने और यहाँ पर सिर्फ इस मूवमेंट से आप इसको ऊपर करते गए, आप खुद फील करोगे ना। वैसे भी जो हम एज की बात कर रहे थे, अपनी नहीं कह रहे, एज के साथ, एज इज जस्ट अ नंबर पहली चीज तो ये, लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये आपकी चीजें जो है वो थोड़ी सी स्किन कोलेजन की वजह से थोड़ी सी वो कम होने हो जाएगी, सैग कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो आप हो गए वो आप नहीं, मेरी लाइफ अपने जहन में हो तो वो नहीं है, हम फोकस ही नहीं करेंगे इस चीज पर, ठीक है। अच्छा, अब जो आगे हम बताने वाले थे, कई दफा बल्कि खुद जब मैं कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं कहती हूँ ये चीज बतानी चाहिए, कई दफा ऐसे ही आपको बैठे बैठे बॉडी एक कोई शुरू हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, कई दफा आप ओवर एग्जर्ट हो जाते हो, तो तब भी ये चीज बहुत हेल्प करती है। ये पार्ट आपका जो हॉलो होता है यहाँ पे, जब आप इसको प्रेस करो तो आपको नर्व फील हो यहाँ पर, ये आपका एक राइट वे होगा। आपकी इंडेक्स और आपके थंब के दरमियान में जो हॉलो पार्ट तो होता है, हाँ, अब वो नर्व एक चीज, आप उसको जब प्रेस करोगे तो आपको एक नर्व फील होगी, हाँ, वहां पर आप इसको दबाने शुरू करो। इवन ये प्रेशर पॉइंट कैंसर पेशेंट्स भी अगर इस्तेमाल करें तो उनको अगर जो पेन हो रहा होता है, 30 सेकंड के लिए आपने इसको ऐसे रखा, उसके बाद हाँ ये सिर्फ आपको सर्कुलर मोशन में आप इसको मूव कर रहे हो, उसके बाद छोड़ दिया, तकरीबन 2-3 दफा आप इस चीज को करो तो जो आपको फील हो रहा था, हाँ, आप अपने डोमिनेंट हैंड से करोगे, तो जो लेफ्टी होंगे तो वो अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, तो ये चीज फील होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर भी फील होना शुरू हो जाएगा कि कोई जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है, राइट। अब एक जो एंजाइटी के लिए मैंने बताया कि बेनिफिट्स ऑफ योगा, कि अब एंटी एजिंग भी है, अब साथ ही साथ एंजाइटी अगर आपको हो रही तो अब क्या कर सकते हो, थर्ड आई जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर आप चाहे इससे इसको प्रेस करके रखो, ये सिर्फ 30 सेकंड का प्रोसेस होगा। जो आपको एंजाइटी या घबराहट होती है, मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी इस पर, तो आपने इस यहाँ या तो अपना थंब रख लोगे, जो आपके ब्राउज के दरमियान में स्पेस है वहां पर थंब रखे और यहाँ आप फील करोगे, इससे जो एंजाइटी कई दफा हो रही होती है वो कम होगी। और ये वाली फिंगर से भी तो हम करते थे, हाँ, ये वाली फिंगर से भी करते थे, और ये माइंड को भी एक्टिव करती है बहुत ज्यादा, सी याद है, तो कैसे हो सकता है, थोड़ी वीक है वो माइंड, हाँ, ये कैसे हो सकता है, टू काम योर माइंड, ये चीजें हैं। अच्छा,
अब एक चीज जो एंटाइजिंग के साथ साथ हम फेस योगा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो, अच्छा लेकिन पहले बता दूं फेस योगा ना देखने में बहुत अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन हम उस चीज में बड़े तेज हैं, वो वाला दिखाएंगे जो वो दिखाएंगे जो ज्यादा इफेक्टिव भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा देखने। अच्छा इसको कहते हैं फिश पाउट, अगर मैं करूंगी आपको समझ आ जाएगी की फिश फेस क्यों कह रही है उसको। सिंपल आपने की यस, बिल्कुल आपने इसको इस तरह किया अपने फेस को मछली जैसा मुंह बनाया रखा। फिश पाउट का मतलब ये है कि आपने अगेन जैसे पिक्चर्स में मुंह बनाते हैं थोड़ा सा ज्यादा वो वाला जरा होता है वो भी आएगा। अच्छा वो भी आएगा, ये वो मुंह है जो आप कंट्रोल करते हुए बनाते हैं, ठीक है। फेस पाउच इससे क्या होगा, फेस ये होगा जो आपके जो फेस को लिफ्ट करेगा, ये एरिया जिनका जिनको लगता है चिजल चीक्स बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है, आपका फेस राउंड हो रहा है तो तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। यस ये प्रोमिनेंट होंगी इसलिए हम इसको चिजल चीक्स बोल रहे हैं। तो जो खवातीन टिका के कॉन्टोर करती हैं वो ये हाँ वो करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। और दूसरा जो हम वो बोल रहे थे जब सेल्फी लेते हुए मुंह बनाते हैं वो आपको बनाना होगा ऊपर ले जाकर मुंह को यहाँ पे हम सामने करेंगे ही नहीं। अच्छा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर ये होता है ज्यादातर इसको आप कहाँ मूव करोगे इस एरिया को, अब तो आप ऐसे ऐसे करते रहो ठीक है। अब क्या होगा आपने यहाँ हाथ रखे ऊपर देखा और थोड़ी देर बाद इसको लिफ्ट किया देन डाउन अगेन लिफ्ट। अच्छा ये आईब्रो से लिफ्ट करना है आपने डाउन। एक ऐसी अहम चीज है जो शायद ही मैंने कभी बताई हो, एंशियंट योगा की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसे कहते हैं स्वॉलो योर ब्रेथ। अब इससे योगा के दिन में अगर 10 दफा आप ये करते हो 10 की साइकिल के साथ 2 दफा आपने दिन में ये चीज करनी है आपका खुद जो एजिंग प्रोसेस है खुद कहोगे 2 वीक्स के बाद आपको लगेगा वो रुकना शुरू हो गया वो स्लो हो गया। वो क्या होता है आपने पहले ब्रीद किया अब आप अपनी जो ब्रीद है ये यानी ब्रीदिंग करना है अपनी सांस है उसको स्वॉलो करोगे और फिर एक्सहेल करोगे। स्वॉलो कैसे इस तरह होगा स्वॉलो एंड देन मतलब आप दरमियान बोलोगे नहीं अगेन ये चीज इसको करने के साथ ही आपको कुछ फील होना शुरू हो जाता है आपको मेंटली कि देयर समथिंग इज हैपनिंग ना तो कुछ हो रहा है तो वो आप चीज करो। अच्छा अब इससे ये होगा कि 10 टाइम्स आपने साइकिल को किया थोड़ा सा आसान होगा सोलो एंड सोलो। और ये एंशियंट योगा की ये टेक्निक है जो कि मैंने बहुत कम बताई हुई है ये कि आपको वाकई वर्क करता है बाकी चीजें अब जाकर हम अपनी जगह पर बताएंगे। सराफे क्या बताने वाली है आप आज हम बताने वाले हैं बहुत सारी चीजें जिसमें इम्यून सिस्टम आपका बेहतर कैसे हो सकता है क्योंकि कोबरा की वेरिएशन बताए ना कोबरा की वेरिएशन सबसे पहले बता देते हैं वो क्या है। अब अरमल हमसे कहेगी आसान नहीं है लेकिन आपको ट्राई करना होगा दो बता देती हूँ ठीक है उससे भी एक आसान ठीक है। एक तो ये है कि आप इससे जो मेरी नेक लाइन का वो मसला आ रहा है या तो अपनी लेग ऐसे रखो ठीक है या दोनों इस तरह रिलैक्स रहते हुए चाहे एक्सटेंडेड में आओ यहाँ रख लो ठीक है ठीक है और हाँ ठीक है ठीक है। एक ये होगी इसी मूवमेंट को आप दोहराते जाओगे कितनी देर करना है जी 30 टाइम्स और 3 सेट्स वो जो न्यूज होती है ना तब वो मैं इन पर देती हूँ। अच्छा आप लाई डाउन जो वेरिएशन हम बताते हैं लॉक योर हैंड ठीक हो गया हो जाएगा ये वाला हो जाएगा पहले नहीं पहले वाला को लॉक करने से पहले देख लें अदरवाइज ऐसे रख लो लॉक होगा तभी ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात है मेरे में अक्सर नहीं है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है ठीक है तो ये चीज कर ली इससे ये होगा। एक चीज इसका फायदा जरा डबल होता है जो आप योगा कर रहे होते हैं वो डिफरेंट चीजों को आपके टारगेट करता है। इसमें ये होता है कि हमेशा याद रखे जो एंटी एजिंग हम बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात करो आपकी अगर कमर सीधी रहती है तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है जो फास्ट होगा वो स्लो हो जाएगा। इसलिए हमारे बड़े हमें कहते होते कि बेटा ऐसे चलो हम लोग हमेशा अगर आपको पोस्चर ठीक नहीं हो रहा ना तो रोटेट करो अपने शोल्डर्स को वो आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा। एक चीज विजन भी ठीक हो पोस्चर भी ठीक हो आपका एजिंग प्रोसेस भी रुक जाए और इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो वो क्या चीज होगी बहुत आसान है सिर्फ आपने सामने ऐसे देखा कोई भी सीलिंग पर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो यहाँ हाथ रखें और बस आप उसको देखते जाओगे और यहाँ सिर्फ नॉर्मल ब्रीथ करोगे मगर ब्रीदिंग पर गौर करोगे इससे ना सिर्फ आपका विजन ठीक होता है यानी आई साइड की जो हम बात अच्छा, कर रहे हैं वो बेहतर होती है आपका पोस्चर ठीक होता है आप इसको शोल्डर को रोटेट किया और साथ ही साथ अब जिनको सर्वाइकल का भी इशू है तो वो हल होना शुरू हो जाता है। तो एंटाइजिंग की हम बात करें और जो यहाँ मसला हो रहा है किसी को लाइन्स है या कुछ भी है और डबल चिन भी कहीं थोड़ा स्किन सैग कर गई तो उस चीज़ को वो कवर अप कर देगी। अच्छा ये कितने दिन में इफेक्टिव होगा सराफ ये बता अगर रोज करें रोज करें कि चिन की बात करें हम चिन की चिन और नेक की बात करें चिन और नेक की बात करें अगर तो स्किन ही जो बंदा है थोड़ा सा चबी है ठीक है रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा
महीने के अंदर आप देख लोगे ये विद इन 10 डेज होगा. अच्छा 10 डेज के आप दिन में दो तीन दिन, आज है वेंसडे, यस आप इस तरह करें कि सिर्फ दिन में दो तीन दफा इसको दोहराओ, 10 से 12 दफा किया, 30 दफा किया, बस वो आज से फोकस शुरू है. मैं खुद देख लूंगी 10 दिन बाद. टेंशन होती है ना मुझे, पूरा दिन ही ये करती रहूंगी मुझे लगे. अब एक सबसे पहले आसान चीज भी बता देती हूँ रोटेट होने के लिए. अब मैं इसलिए ये बता रही हूँ चीजें जो एंटी एजिंग की तरफ जाएंगी, ठीक है. अब यहाँ इम्यून सिस्टम को भी आपके तेज करेगा. आपने क्या करना है मैं इस साइड से बताऊंगी इसको. आपने अपनी लेग को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं किया, उसके बाद अपने जो थंब है उनको आपने लॉक करना है. एक तो आप ये करते हो ना, ये नहीं बता रही, ये पकड़ा, उसके बाद पहले आप पीछे गए, उसके बाद उसी मोमेंटम से नीचे, फिर आप अगेन सेम वही चीज. अब इससे क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम सबसे पहले बेहतर होना शुरू होगा, और उसके बाद जो आपको वेट रिडक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कई दफा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टक हो जाता है, हाँ स्टक हो जाता है, और कई दफा हमारे यहाँ ही होता है कि छोटी छोटी बात पर किसी भी चीज से वायरल इन्फेक्शन, बीमार हो गए, वो तो इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है. एक प्रेशर पॉइंट इम्यून सिस्टम के लिए देख लें कि आपकी जो रिंग फिंगर होती है उसकी टिप, अगर आप इसको सर्कुलेट, ये सर्कुलर मोशन में करते रहते हो ना यहाँ पे इस तरह से इसको मसाज, तो आप फील करोगे कि आपको जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिव हो गया है, और बल्कि फास्ट, जो कि होना बहुत जरूरी है, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. अब एक आसन जो है वो मैं बताती हूँ जो कि आपके टमी को भी टारगेट करेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर करेगा, और जो हम दोबारा से एज की भी बात करें वो भी बेहतर होना शुरू होगा, और वेट रिडक्शन साथ साथ रहेगी, ठीक है. आपने ये किया कि अपनी एक लेग को आगे लेकर आए, इनहेल किया, एक्सहेल. आप खुद को हेल्प देने के लिए आप अपनी लेग की तरफ देखोगे. बिगिनर्स क्या करेंगे, बिगिनर्स यहां तक आएगा सिर्फ इधर, राइट. कोशिश करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक हो गया, बिल्कुल इनहेल एंड एक्सहेल, सेम इसी तरह दूसरी लेग पर स्विच कर जाएंगे. अब स्ट्रेच भी बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर, जहां हम एंटी एजिंग की हम बात बता रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है ये चीज. आपने अपनी लेग एक यहीं ही रखी और सामने ले जाओगे, यहाँ पर ज्यादा नहीं करना, बहुत मुश्किल, ठीक है. अब यहाँ पर रखा, करना क्या है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ. यहाँ पर आपने अपना हाथ रखा, ये दूसरा हाथ या तो उठाकर यहाँ ले जाओ, ठीक है. अदरवाइज है ये बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ. अच्छा बिगनर्स के लिए क्या होगा वो स्टेप भी बताती हूँ, लेकिन आपको पहुंचना इस चीज तक ही है. जो बिगनर्स के लिए होगा सिंपल वो होगा, वो इस चीज पर आएंगे पहले, ठीक. कोशिश करें इस चीज को करने की, उसके बाद आपकी लेग स्ट्रेट होगी, फिर कोशिश करोगे कि आप थोड़ा आगे जाओ, देन दोनों हाथ एक हाथ फिर उठाओगे, ठीक है. उसके बाद कोशिश करो अगर इसकी सपोर्ट ले सकते हो, अदरवाइज ये, और स्टेप एंड पर जो ये बनेगा वो ये होगा कि आपने रोटेट कर दिया. ये कितने सेट्स में करना है हमें, ये आपको 30 सेकंड का होल्ड, शुरू में 10 सेकंड का होल्ड करना है. वैसे 30 सेकंड की आदत डालें, अपने आप को ये चीज करना शुरू कर दें. अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने बच्चों को कराएं, ये खवातीन करें, हम बहुत दफा बता चुके हैं इसको, योगी बाइसिकल भी कहते हैं. आपने यहां पर अपने हाथ रखे, इजी पोस्चर में आ गए, एक तो होता है बिल्कुल ऐसे कर रहे होते हो, आसान पोस्चर में आकर यहां लेग को स्विच करोगे, यहां आई ये, अब आपका टमी भी टारगेट होगा, साथ ही साथ आप में बैलेंस आएगा, और जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा. अदरवाइज अगर आपको ये कंफ्यूज कर रही चीज की ये किस तरह से हो रही है, तो डू दिस, ये रिवर्स और फिर सामने, ये चीज बच्चों को भी हम करवा सकते हैं. एक ही चीज साथ ही साथ मैं कहती हूँ कि आप योगा जो है हर एज के लिए रखें. अब दूसरी चीज जो आती है कि अगर आप इसको फन बनाना चाहते हैं, और साथ साथ आप कहें कि खड़े खड़े जो है वो पेट गायब हो जाए, यानी गायब कैसे नहीं, अंदर चला जाए जो नॉर्मल होता है, गायब तो नहीं ना, सब कहेंगे गायब कैसे, नहीं वो वाला गायब नहीं जो आप चाहते हैं कि इतना बाहर निकला हुआ है, तो वो बता दें. यस होगा क्या, उसके अंदर आपने साइड स्ट्रेच की जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं, अपने अपना ईज का जो पॉइंट है वो देख लेना है. साइड स्ट्रेच करने के बाद अब ये स्लो होगा, या ये रेज करोगे लेग, या साइड पर करोगे क्रंच, ठीक है. ठीक सेम इसी तरह दोबारा, या फ्रंट, ये स्टेप में करेंगे, तेज तेज करने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता भी कर लें तो मसला नहीं, घर पर टीवी देखते हुए कर लें, ठीक है. अदरवाइज बस खड़े हो जाएं इस तरह से, और कोशिश घर में अक्सर बहन टच को आदत होती है खड़े होकर टीवी देखने की, तो वो खड़े खड़े, जिन लोगों को आदत है वो खड़े खड़े बस ये भी कर सकते हैं. हो बहुत कुछ सकता है,
बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं, राइट? वैसे जाहिर है आपको हर वक्त योगा के लिए अलग से स्पेसिफिक टाइम तो मिलेगा नहीं, आपका दिल करेगा कि आप चलते फिरते करें, एक्टिविटी के दौरान कर ले, तो ये बेहतर है। एक चीज है, कभी भी नहीं आपको चीज भूलनी चाहिए, जो मैं रोटेशन की बात करती हूँ। रोटेशन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी फ्लेक्सीबिलिटी के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसमें जो रोटेशन अब सबसे आसान होती है वो ये होती है, ये किया रोटेट। लेकिन जहां हम पोस्चर की, एज की, इम्यून सिस्टम की या वेट लॉस की जहां बात करते हैं, तो आपका ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज के लिए। तो आपने क्या किया, जिस मोमेंटम से आप आगे जाओगे उसी से पीछे लेकिन तो नहीं जा सकेंगे। शुरू में जो बिगिनर्स होंगे क्या होगा, वो ज्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब फैट या ओबिसिटी होती है तो जब आप वापस आते हैं उनको पेन और चक्कर आते हैं। हाँ, चक्कर वॉश भी आते हैं। यहाँ थोड़ा फिर आप पीछे चले और चेयर रखी, उसकी हेल्प से आप थोड़ा बहुत खुद को मूव किया, गए। उसके बाद आपको आना किस लेवल पर है, यहाँ बैक, ये एंड टर्न। दूसरी चीज, यहाँ आपको ये एक सर्कुलर चीज करनी है। मैं बहुत सारी चीजें से कहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि उनके पेन रिलीफ के लिए हम बात करते हैं, क्योर की बात नहीं करते। बहुत सारे लोग इसको मिसकंसेप्शन है। अब आपने इसको हम कहते हैं शोल्डर श्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए भी, वैसे भी आपके लिए भी, पोस्चर के लिए भी, और आपका ये रिलैक्स भी होते हैं, आपके रिलैक्स भी होते हैं और ये एरिया आपका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो रोटेशन, जहां हम फेस योगा की भी बात कर रहे थे, फेस योगा के अंदर हम नेक की रोटेशन बताते थे, वो फेस योगा में भी आती है, इंक्लूड होती है कि आपने रोटेशन जो है वो शामिल कर ली, ये चीज ठीक है। अगर आपको ये नहीं हो रहा कि ये मुश्किल लग रहा है, तो सीधा आप एंड डाउन, और अगर आप ये चिन के लिए आपको देख ले तो वो आपको कुछ अजीब भी समझेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी सेहत वो पजेस्ट लगेगा। तो अगर आपने चिन के लिए करना है, ठीक है, तो वो ये होगा कि आप यहाँ होल्ड करोगे कुछ देर के लिए। ये तो आप वैसे नॉर्मल बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जब आपको लगे आप टीवी देख रहे हैं, कमर्शियल आया, आप ऊपर देख रहे हैं। और एक बाजू का सवाल होता है, वो आपने नहीं किया, प्लीज जल्दी से बाजू के लिए बताएं वो क्या होगा। एक ये चीज, ये सिर्फ समझे कि एक बॉल है जिसको आपको बाउंस करना है, राइट? ठीक है, आपने वहां पर यह है कि उड़ने की कोशिश है। तो यहाँ पर आपने इसको ये मूव किया और उसके बाद यहाँ हाथ रखे एंड के। ये वो लोग जिनकी स्किन या तो सैग कर जाती है या बाजू में स्ट्रेंथनिंग चाहिए। ये मैं नोटिस किया, बहुत सारे लोगों के बाजू में स्ट्रेंथनिंग नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सलाफ, एक छोटा सा मैसेज जल्दी से दे दें, फिर हम छोटा सा मैसेज ये है कि फेलियर कोई चीज नहीं होती लाइफ में, फेलियर इज जस्ट अ फीडबैक। आपने कोशिश की, वो एफर्ट का आपको रिजल्ट मिला, तो वो एक रिजल्ट है। इसलिए कोई भी आपको कुछ भी कह रहा हो उस चीज को इग्नोर करें। और कोई आपको कह रहा है आप योगा नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दें, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आपकी जिंदगी बदल सकता है वो आप होते हैं, तो जस्ट बी द चेंज और फिट रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू वेरी मच सलाफ, बहुत शुक्रिया जनाब। इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, और अगर आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।